हेलो फ्रेंड्स फ्रेंड्स आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है व्हाई ट्रांसमिशन लाइन वोल्टेज इज हाई। जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसका वोल्टेज जनरली हाई क्यों रखा जाता है, इसके क्या रीजंस होते हैं, क्या क्या एडवांटेजेस एंड क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, सब कुछ आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। भारत में जनरली जो जनरेशन देखा जाए, जो पावर जनरेशन होता है, चाहे वो थर्मल से हो, न्यूक्लियर से हो, विंड से हो या हाइड्रो से हो, जो भी पावर जनरेशन होता है वो जनरली 11 किलो वोल्ट में होता है या इससे भी कम किलो वोल्ट में होता है। बट जो ट्रांसमिशन होता है वो काफी हाई वोल्टेज में होता है। जनरली देखा जाए तो 33 KV में होगा या 66 KV में होगा, 132 KV में होगा, 220 KV में होगा, 400 KV में होगा या आजकल 765 KV में भी होता है। तो जो ट्रांसमिशन होता है वो जनरली हाई वोल्टेज में क्यों किया जाता है, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। चलिए ऐसे हमें एग्जाम्पल के थ्रू समझे कि क्वेश्चन काफी इंटरव्यू के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम इसे अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। सपोज हमारे यहाँ कोई जनरेटर है जो कि जनरेटिंग स्टेशन पे है, ये पावर को जनरेट कर रहा है। यदि हम पावर को लो वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होगा, पहले हम समझ लेते हैं लो वोल्टेज पर करने से क्या क्या नुकसान हो गया या क्या होता है। सपोज हमारा जनरेटर पावर जनरेट कर रहा है, यह हमारा हाउस है, ये जो कि कंज्यूमर है या हाउस है, यहां तक इस जनरेटर की पावर को इसे ट्रांसमिट करना है। सपोज हमारे घरों में कितने वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है, 220 वोल्ट की रिक्वायरमेंट होती है। यदि इस जनरेटर से हम जनरेटिंग स्टेशन से 220 वोल्ट को ट्रांसमिट करते हैं इस हाउस तक, यहां तक हम इस पावर को ट्रांसमिट करते हैं कितने वोल्ट पे, 220 वोल्ट पे। इसकी डिस्टेंस हम फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 100 किलोमीटर, ये कितनी भी ज्यादा हो सकती है। यदि हम पावर को ट्रांसमिट 220 वोल्ट पर करते हैं तो क्या होगा, पहले हम इस वोल्ट पर इस कस्टमर का कितना वाट है ये निकाल लेते हैं। सपोज इसके पास कितना लोड है, 10 एम्पियर, एक घर पर लोड चल रहा है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, VI cos φ सिंगल फेज के लिए होता है। यदि हम इससे वोल्टेज देखें तो वोल्टेज कितना है हमारे पास, 220 वोल्ट है, करंट कितना है, 10 एम्पियर है और पावर फैक्टर हम 1 मान के चल रहे हैं। तो इसकी जो पावर आएगी वो आएगी जनरली 222 वाट आएगी। यदि हम इसे किलोवाट में ले तो 1000 से इसे डिवाइड करते तो कितना आएगा, 2.2 किलोवाट, जो कि हमारे एक घर का लोड होगा। यदि हम इससे माने कि ये पूरी कॉलोनी है या काफी ज्यादा घर है, यहाँ पे जनरेटर से हमें 220 वोल्ट ही जनरेट कर रहा है। सपोज यहाँ पे 10,000 घर है, ये जो कंज्यूमर है ये 10,000 है, इस कंडीशन में क्या होगा, पावर इसकी कितनी होगी, P इज इक्वल टू क्या होगा, 220 वोल्ट तो सेम ही आ रहा है। इसके अलावा हमारा लोड कितना है, हर घर का 10 एम्पियर है। इसके अलावा टोटल हाउस कितने है, 10,000 × पावर फैक्टर हमने माना 1, यदि हम इसे करते हैं तो हमारा कितना आएगा, 22, इसके अलावा 10, 20 और 40, टोटल 60 हो जाएंगे। यदि हम इसे ले तो कितना कर सकते हैं हम, 22 मेगावाट, टोटल लोड कितना होगा, 22 मेगावाट। चलिए ये तो हमने टोटल लोड निकाल लिया 22 मेगावाट, इस कंडीशन में करंट कितना फ्लो होगा ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। करंट के लिए कितना होगा, देखिए 10,000 कितने हैं, टोटल हाउस है, इसके अलावा टोटल लोड कितना है एक घर का, 10, तो इसके अलावा कितना होगा, 1 लाख एम्पियर टोटल ट्रांसमिट इस जनरेटर से इस कॉलोनी तक पावर ट्रांसमिट करने के लिए टोटल एम्पियर 1 लाख एम्पियर हमें ट्रांसमिट करना होगा। और जैसा कि हम जानते हैं यदि हमारे पास एल्यूमिनियम केबल होती है तो एल्यूमिनियम केबल में जनरली हम 4 to 5 एम्पियर 1 स्क्वायर mm में सेंड कर सकते हैं। यदि कॉपर केबल होती है तो कॉपर केबल में हम 6 to 7 एम्पियर फॉर सेफ्टी फैक्टर से 1 स्क्वायर mm की केबल से सेंड कर सकते हैं। यदि हम 1 लाख एम्पियर तक के करंट को सेंड करना चाहते हैं तो इसके लिए हमें काफी मोटी केबल का यूज करना होगा। कितने की मोटी केबल का यूज करना होगा, तो 1 लाख/5 यदि हम एल्यूमिनियम केबल का यूज करते हैं तो 20,000 स्क्वायर mm केबल का हमें यूज करना होगा 1 लाख एम्पियर करंट को ट्रांसमिट करने के लिए, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इतना मोटा वायर आजकल बनाना पॉसिबल नहीं है और उसे ट्रांसमिट करना पॉसिबल नहीं है। यदि हम इतना मोटा वायर को ट्रांसमिट करेंगे तो उसके लिए जो हमारा टावर होगा वो भी काफी ज्यादा होगा। तो ये जनरली देखा जाए तो इतना मोटी केबल हम नहीं बना सकते। यदि हम इसी वोल्टेज को थोड़ा बढ़ा कर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होगा समझ लेते हैं। चलिए हम लोड भी सेम लेते हैं, यदि हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट करते हैं तो क्या होगा, देखिए 10,000 घर हमने यहाँ पे भी लिए, 10,000 घर यहाँ पर भी थे। इसके अलावा टोटल लोड कितना था, 22 मेगावाट, 22 मेगावाट था। यदि हम सिर्फ वोल्टेज को बढ़ाते हैं, 220 वोल्ट था, यदि हम इसे 220 किलो वोल्ट में ट्रांसमिट करते हैं तो जो हमारे जो वायर से जो करंट फ्लो होगा वो ओनली 100 एम्पियर करंट फ्लो होगा। जस्ट वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा करंट कम हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं P इज इक्वल टू होता है VI। यदि हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं तो करंट क्या होता है, कम होता है। यदि हम वोल्टेज को डिक्रीज करते हैं तो करंट हमारा इंक्रीज होता है, ये हम जानते हैं पावर के फॉर्मूले से। तो इसी तरह हमने क्या किया, वोल्टेज को बढ़ा दिया तो हमारा जो करंट था वो काफी कम हो गया। 220 किलोवाट करने से हमारा जो करंट है वो 100 एम्पियर आ गया है, लोड हमारा सेम है।
तो जनरली हमने यही देखा कि जस्ट वोल्टेज को बढ़ाने से हमारा करंट काफी कम हो गया। अब इसी से हम इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस समझने की कोशिश करते हैं। चलिए पहले हम इसके एडवांटेजेस समझ लेते हैं। क्या होगा यदि हमने इसके वोल्टेज को बढ़ा दिया, तो सबसे पहले तो क्या होगा, जनरली 100 एम्पीयर करंट फ्लो हो रहा है तो केबल का क्या होगा, जनरली जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, दैट मींस केबल की जो मोटाई है, वो हमें पतले वायर को यूज करना होगा। पतले वायर से भी हम पूरा ट्रांसमिशन पावर का कर सकते हैं। तो पहला तो हमारा क्या होगा, केबल का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा। दूसरा क्या होगा, कॉस्ट कम हो जाएगी। कॉस्ट कम कैसे होगी क्योंकि समझ लेते हैं, क्योंकि हमारे जो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया कम होगा, जिससे हमें वायर पतला यूज करना होगा, तो हमारा क्या होगा, जो वायर का साइज होगा वो पतला होने से हमारा वायर का खर्च बचेगा। इसके अलावा हमारे टावर की खर्च भी बचेगा। टावर का खर्च कैसे बचेगा, हम पतला वायर यूज कर रहे हैं तो पतला वायर यूज करने के लिए हमें टावर को जनरली इतनी स्ट्रेंथ नहीं देना होगी। टावर भी हमें जनरली कमजोर यूज कर सकते हैं, इसलिए हमारा टावर का खर्चा बचेगा। इसके अलावा क्या होगा, यदि हमारा हम पतला वायर यूज कर रहे हैं तो जो इसके बीच में जो सेग होता है, जो जनरली ये झोल होता है, ये कम हो जाएगा। कम हो जाने से कारण क्या होगा, हम जो टावर है, टावर का डिस्टेंस थोड़ी दूर दूर पर भी लगा सकते हैं। इसलिए हमें क्या, टावर को भी, टावर के जो जो नंबर ऑफ संख्या होती है वो भी कम हो जाएगी, क्योंकि सेग कम हो जाएगा। सेग कम होने से टावर भी हम थोड़ी थोड़ी ज्यादा डिस्टेंस पे कनेक्ट कर सकते हैं, तो हमारा जनरली कॉस्ट कम हो जाती है। तीसरा पॉइंट आता है हमारा बेटर वोल्टेज रेगुलेशन। क्या होगा, जनरली हमारा क्या होगा, वोल्टेज ड्रॉप कम होगा, क्योंकि हमने हाई वोल्टेज पर ट्रांसमिट की है, तो वोल्टेज ड्रॉप हमारा क्या होगा, कम होगा। वोल्टेज ड्रॉप कम होने से क्या होगा, एक तो हमारे कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रहा है, करंट कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो होने से क्या होगा, हमारे जो लॉसेस हो गए, लॉसेस काफी कम हो गए, जिससे हमें क्या मिलेगा, बेटर वोल्टेज रेगुलेशन मिलेगा। अगला पॉइंट देखा जाए तो ट्रांसमिशन इफिशियंसी इंक्रीज होती है। ये कैसे होती है, क्या होता है, हमारे जो पावर ट्रांसमिशन में क्या होता है, करंट कम हो गया। करंट कम होने से क्या होगा, आई स्क्वेयर आर लॉसेस कम हो जाएगा। आई स्क्वेयर आर लॉसेस क्या होते हैं, जब किसी कंडक्टर से करंट फ्लो होता है तो वायर के जो हीटअप होने के कारण जो लॉसेस होते हैं वो आई स्क्वेयर आर लॉसेस होते हैं। अब क्या होगा, जो कंडक्टर है उससे करंट फ्लो होना कम हो गया है, कंडक्टर पर लोड कम हो गया है, जिससे क्या होगा, आई स्क्वेयर आर लॉसेस कम हो गए। वायर जो लॉसेस कम होने से क्या होगा, हमारे जो वायर की लाइफ होगी वो भी काफी ज्यादा होगी, वायर की लाइफ बढ़ जाएगी, प्लस जो इसकी वायर की इफिशियंसी होगी, जो कंडक्टर की इफिशियंसी होती है वह भी बढ़ जाएगी। बेस जनरली हमारी ट्रांसमिशन इफिशियंसी बेटर होगी। अगला पॉइंट आता है ट्रांसमिशन कैपेसिटी ऑफ लाइन। जो लाइन की ट्रांसमिशन कैपेसिटी है वह बढ़ जाएगी। कैसे बढ़ेगी, जो बेसिकली ट्रांसमिशन लाइन की कैपेसिटी होती है, ट्रांसमिशन कैपेसिटी वो होती है P = V² दैट मीन्स वोल्टेज के स्क्वेयर के प्रोपोर्शनल होती है। यदि हम वोल्टेज को इंक्रीज करते हैं, वोल्टेज को इंक्रीज करने से क्या होगा, हमारा करंट कम फ्लो होगा। करंट कम फ्लो होने से क्या होगा, ट्रांसमिशन लाइन की जो कैपेसिटी होती है वह बढ़ जाएगी, जिससे हमारी जो लाइन होती है उससे काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। चलिए ये कुछ एडवांटेजेस थे। अब इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं, क्या होते हैं हम समझ लेते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कितने भी हाई वोल्टेज जनरेट करते जाए, बढ़ाते जाए, जिससे हम जो एडवांटेजेस ले सके, इसके कई डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। पहला क्या होता है, इंक्रीज इंसुलेटर नंबर्स। क्या होता है, बेसिकली जो एक डिस्क होती है वो क्या होती है, 11 केवी के लिए होती है। यदि हम मल्टीपल वोल्टेज बढ़ाते जाते तो हमें क्या होगा, सपोज 33 केवी की हुई तो हमें तीन डिस्क कनेक्ट करना होगी। तीन डिस्क यदि और ज्यादा केवी की होगी तो हमें मल्टीपल जो इसके नंबर ऑफ संख्या होती है वो बढ़ानी होगी, जिससे क्या होगा, हमारे जो ट्रांसमिशन लाइन के होते हैं उसका खर्चा भी बढ़ जाएगा, प्लस उस जो ट्रांसमिशन लाइन पर लोड होगा जो इंसुलेटर के बढ़ने से वह भी ज्यादा हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या होता है, इंसुलेटर हमारे बढ़ जाएंगे। दूसरा होता है हमारा क्या होता है, स्विच गियर एंड सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर एंड स्विच गियर, यदि हम ज्यादा पावर ट्रांसमिशन वोल्टेज करते हैं तो क्या होगा, हमारे जो सर्किट ब्रेकर होगा वो भी उसे ज्यादा रेटिंग के कनेक्ट करना होगी। इसके अलावा स्विच गियर भी ज्यादा के लगाना होगा, जैसे कि एसी भी, एयर सर्किट ब्रेकर भी ज्यादा रेटिंग का लगाना होगा, वीसी भी ज्यादा का कनेक्ट करना होगा। तो हमारा सर्किट ब्रेकर, एयर गियर बॉक्स, जो स्विच गियर होते हैं उससे हमारी कॉस्ट बढ़ जाती है। तीसरा क्या होता है, हमारी जो टावर होती है, टावर की हाइट हमें बढ़ाना होती है। टावर की हाइट कैसे बढ़ाना होती है, सपोज हमारा जो ट्रांसमिशन हो रहा है इस टावर यदि हमारी 11 केवी की लाइन है तो 11 केवी की लाइन में अर्थ टू, दैट मीन्स देखा जाए अर्थ टू फेस के बीच में लोड अगर कम भी है, इसकी डिस्टेंस कम भी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यदि हमने इसकी जो ट्रांसमिशन लाइन का वोल्टेज बढ़ा दिया है तो क्या होगा, अर्थ टू ग्राउंड फॉल्ट होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसीलिए हमें क्या करना होगा, हमारे टावर होते हैं, टावर की जो हाइट होती है उसे हमें बढ़ाना होता है।
इसके अलावा जैसे कि हम जानते हैं हर एक कंडक्टर के बीच में क्लियरेंस होता है। यदि 11 kV की वोल्ट है तो इसके बीच में जो दोनों के साइज की डिस्टेंस कम होगी, दोनों के बीच डिस्टेंस कम होगी। यदि ज़्यादा वोल्ट हो गया तो दोनों के बीच ज़्यादा क्लियरेंस होगा, तो दैट मीन्स दोनों कंडक्टरों के बीच में हमें डिस्टेंस भी ज़्यादा रखना होती है, इसलिए क्लियरेंस बढ़ जाता है। इसलिए टावर के साइज जो साइज होता है वो भी हमें बड़ा कनेक्ट करना होता है। इसके अलावा चौथा डिसएडवांटेज देखा जाए तो होता है कोरोना इफेक्ट। जैसा कि हम किसी भी ट्रांसमिशन लाइन के पास से गुजरते तो हमें वहां पे सर करने की कुछ आवाज़ें आती है, जो भी आवाज़ें होती है वो कोरोना इफेक्ट्स के कारण होती है। तो कोरोना इफेक्ट्स बढ़ जाएगा, ट्रांसमिशन लाइन के पास जो आवाज़ें होती है वह भी बढ़ जाएगी। जनरली ये इसके ऊपर हमने डिटेल में वीडियो बनाई थी, आप देखना चाहते तो हमारे चैनल पर अवेलेबल, आप देख सकते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, क्या रीजंस होते हैं, क्या एडवांटेजेस होते हैं, क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें, और इससे रिलेटेड जो भी डाउट्स उसे कमेंट्स बॉक्स में जरूर पूछें, हम पूरी कोशिश करेंगे उसका जवाब दे सके। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, थैंक्स फ्रेंड्स।